बिस्मिल्ल अस्सलाम वालेकुम मैं हूं सैबिका काजमी आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब नाजिन अमरीकी सफीर से मुलाकातें हो रही हैं एक बड़ा मॉयदा बनना शुरू हुआ लेकिन बंटवारे से पहले लड़ाई भी शुरू होगी चोरी का माल बांट रहा है कादिर पटेल ने इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट जारी की इतहाई गिरे हुए इल्ज़ाम लगाए मैं जरा उसकी और सहूलत की एक रिपोर्ट भी आपके सामने रखता हूँ आपने टुकड़ा काट के कादिर पटेल साहब को ज़रूर भेजा है साहफी ने राना सना की प्रेस कॉन्फ्रेंस सवाल पूछा जो बिल्कुल मना था और समी इब्राहिम भी इमरान रियाज की तरह गायब हो चुके हैं तहरीक इसाफ़ के लोगों की जिस तरह मीडिया टॉक छोड़ने का ऐलान हो रहा है अब कुछ नया हलतनामा भी सामने आ रहा है इमरान खान की असल मेडिकल रिपोर्ट खान साहब की हल्की की जुगतें और तंदूर इस वक्त सख्त तपा हुआ है वजह क्या है मुजाक के लिए तैयार हैं मुल्क को एक नए सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ लेके जा रहे है। तमाम हैं तमाम फ्री कैन जो है एक लाएम तैयार करें लेकिन ये मुजाक्रत तहरीब के साथ नहीं दो हज़ार सात दो हज़ार आठ की तर्ज पर तेरह जमातें और इस्टेबलिशमेंट के साथ मिल के मसाक जमहूरीत के नाम पर पाँच साल आसफ़ ज़रदारी वफाक और पंजाब नून लीग का दमाग इनका पता नहीं फारग हो चुका कि तहरीक साब शायद मौजूद नहीं नज़र आ रही इमरान खान लाहौर में नज़र नहीं आ रहा कोई एवन फील्ड में बैठा शायद ख्वाजा साहब ने अभी साथी से साफी ने पूछा उनसे ख्वाजा आसफ़ साहब आसफ़ साहब से के असल किरदार तो इमरान खान है बाकी लोगों को फिर आप क्यों पकड़ते हैं और छोड़ देते हैं और वो तरीके छोड़ जाते हैं। जवाब उसका वो दे नहीं सका चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इस्लाम तरीके एक बन सारी, उसे भी बेचारे को पकड़ के छोड़ दिया अब लाहौर में चार डिवीजन दो मेजर जनरल कमांडर डी रेंजर्स पांच ब्रिगेडियर उनके ऊपर कोर कमांडर ये सारे लोग किधर गए और कोर कमांडर सबका स्टेट है ये राना सना से सवाल साफी ने पूछा तो राना सना से कहता है ये इसका सवाल मेरे पास जवाब नहीं है मतलब सीनियर साफ़ी आप ऐसा सवाल ना पूछे और मामला असल में पीपल्स पार्टी का और नून दी का आपस में इनका माह करवाने के लिए अमरीकी सफीर की ज़रूरत पड़ गई है अमरीकी सफी डोनल्ड इस इसहा डार से मिलने आया क्योंकि आई एम एफ ने इनकार कर दिया उनका बरोना धोना अपने मालिकों के सामने वादे याद करवा रहे हैं कि देखिए आपने कहा था रजीम चेंज करो खान को तो निकालो मईत हम संभालेंगे लेकिन अमरीका करे क्या उसकी अपनी जान पर बनी वो खुद दिवालिया के करीम है सऊदी अरब ब्रिक्स के उन ममालिक में शामिल हो रहे हैं जो डॉलर को करेंसी के, के तौर पर ख़त्म करना चाहते हैं चीन ने इनकी गर्दन पकड़ी हुई है रूस तकरीबन ले गया यूक्रेन बाकी अभी इनके किसी काम के नहीं ट्रंप की मकबूलियत वहाँ बढ़ रही है अंदरूनी इनके अपने हालात अमरीका के बुरे हैं दिवालियापन के करीब इंसानी हकूक के चैम्पियन होने की वजह से प्रेशर अलग है अब वो करें क्या अरब ममालिक में तो नवाज़ शरीफ वगैरह की जान बिल्कुल ही छुड़ा दी उन्होंने उकोनमी के हिसाब से उन्होंने साफ झंडी दिखा दी अब उनके मुँह पर थप्पड़ भी लागे नहीं उल्टा तारीख में कभी एक्सपोर्ट पिछले साल के मुकाबले में काम नहीं हुई ये रिकॉर्ड भी साग डार लगा गया और देखें जिस दौर में हम रह रहे हैं इसकी मिसाल न फिर न कानून न शदाद ये दुनिया का सख्तरीन मार्शला में नहीं मिलती अब जो नाम सामने आ रहे हैं इफ्तार दुरानी साहब की अपनी बीवी उनकी जीती नोयीय की वीडियो ट्विटर की खातून के साथ जाहिर की जा रही है वहशत भरी दस, इस मैदान में ज्यादा बद किरदार लोग सारा क्रेडिट जाता है उसको जो खुद कैमरा लेके बनाता था वीडियो और तंदूर वाली को दे देता था अब उसकी तपिश देखे कि वीडियो जारी होने का सिलसिला मजीद तेज होगा असली और नस्ली का फर्क शेवर लोगों का फर्क जो एक वीडियो लीक करके दिखाते हैं उसमें वाजे पैगाम दे रहे हैं कि आप सबकी जो वीडियोस मौजूद हैं अगर अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुक नहीं करवाई तो करवाओ वरना उसके बाद वीडियोज का सिलसिला जारी हो जाएगा जहांगीर तरीन जो नई पार्टी बनाने जा रहा है उसमें भी ये सारे मामलाते हैं ये पिछले रमज़ान से मामलात चलने बल्कि उससे पहले जब ये लंदन गायब हुआ था कुछ अर्से के लिए क्योंकि इमरान खान ने करप्शन पर चीनी चोरी पर इसको फारे कर दिया तो इसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ लंदन प्लान पर पड़ी थी जाहिर है अब लूटे हुए माल का बंटवारा भी करना है अब लड़ाई का मामला भी बन गया है मरियम नवाज कुछ चाहती है शहबाज शरीफ कुछ और चाहता है दोनों की आपस में सख्त बन नहीं रही हालांकि जहाँगीर तरीन की अपनी जिसमानी हालत वैसे ऐसी खुद इस वक्त नई पार्टी की बजाय नई अद्वियात की जरूरत है चौधरी शुजात साहब की तरह जिनकी हालत ऐसी है, ना ऑडियो चाहिए ना वीडियो चाहिए दोनों तरफ से नाजुक हालात जाते लेकिन ओन चौधरी इनके पीछे खड़ा है अंदाजा करें साथ साथ ये कोशिश करें कि हमाद अजहर को हर सूरत में पकड़े नवे साल का उसका वाले तीन बहने लेकिन हमाद अजहर पर जो केस डाला है उसे हर सूरत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करवानी है इन्होंने अभी मुराद रास की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था आंखों में आंसू से मुंह से अल्फाज नहीं निकल रहे साफ नजर आ रहा है पूरी दुनिया को कि जिस तरह जबर से इन्होंने पार्टी छुड़वाई हक अपने आंसुओं पर काबू ना रख सका ये जुल जो करें लेकिन मेरे ख़्याल में रोना भी इतना ही मुश्किल है अवाम के सामने जितना अपनी गर्दन सामने रखना ालम के अल्लाह इनकी मजबूरियाँ ठीक करे दूसरी तरफ नासर मदनी जैसे लोग और सूफ़ी जमीर हुसैन जैसे लोग इसकाम पाकिस्तान के जुलूस लेके आ रहे हैं अब लगता है मरासीियों की ज़रूरत पड़ गई है तो सलाहकार ही नहीं मेरे घर में इमरान खान ने तो देखें जो हो सका किया तारकिन साहब का वर्कर भी अपना हक अदाकर है लेकिन अवाम इस वक्त हजूम की हजूम ही रहेगी इस वजह से ये लेवल प्लेंग फील्ड तक बात पहुंच गई सब जानते हैं जो नहीं बोल रहे खामोश हमदर्दी का वोट इमरान खान का है इसीलिए तरीके इंसाफ की मकबूलियत सत्तर से इक्यानवे फीसद पर है और इमरान खान रिलैक्स फील हैं उनकी मेडिकल रिपोर्ट देखें उसमें नर्वस सिस्टम ब्लड प्रेशर उनका दिल इस वक्त बिल्कुल काबू है बिल्कुल नॉर्मल कोई दबाव नहीं ले रहे और हल्की हल्के जुगते भी लगा रहे हैं मसल आह तकरीर इमरान खान ने शुरू करनी थी उससे पहले कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहा हूँ पार्टी छोड़ने नहीं उन्हें इसमें परवाह नहीं है इसीलिए शायद बेनियाजी है कि नाम ही इमरान न्याजी है कोई वजह यही है कि छुट्टियाँ मनाने की बात शुमाली इलाका जात ये इन पर प्रेशर डिवेलप हो रहा है इसीलिए कादर पटेल वजीर वजी इमरान खान का पेशाब सूं कर उनकी ज़ैनी हालत बिता रहा है अंदाज़ा करें जैसे जमान पार में पहले कुत्ते शेरू की बिस्किट खा गए इमरान खान के पेशाब का सांपल पी गए बैरूनी मुल्क का मशरूब समझ के उन दिनों की तस्वीर याद होगी अब कादर पटेल कहते हैं नशावर अशिया शराब और कोकैन के इन्हें जरात मिले इसमें कादर पटेल को ये पता होना चाहिए मोहतरम बेनज़ीर भुटो की शहादत के बाद सहूलत कारों ने एक मेडिकल रिपोर्ट जारी की और इतने हैं कि उस उम्र में भी इस रिपोर्ट में मोहतरमा बे नज़िर भुटो को प्रेगनेंट इन्होंने बना दिया साथ बल्कि कह दिया कि पेट में जो बचा वो भी आसिफरी सरदारी करी इतने घटिया और कम नसल लोग हैं फिर टी वी चैनल्स पर रिपोर्ट चलाई फिर उसे बंद करवाया शायद किसी को गैरत आ गई लेकिन इमरान खान के मामले में वैरत नहीं आ रही बाद में ये लोग रिटायर होकर किताबें लिखना शुरू कर देंगे देखिए उन्नीस सौ इकहत्तर में सर्च लाइट अवानी लीग का ऑपरेशन बयासी एम ने एक सौ तिरासी एम पी ए थे जमीर की आवाज पर जो जमीर बोल रहे आजकल पार्टियां छोड़ी उन्होंने अवानी लीग छोड़ी जिन्होंने नहीं छोड़ी उन्हें नायल करके अठहत्तर कौमी असम्बली की और एक सौ पांच सौ बाई असेंबली की नशिस्तों पर ऐलान किया जी जमनी इंतखबा कराएंगे और पच्चीस नवंबर से दो दिसंबर तक की उन्होंने तारीख दे दी जनरल फरमान अली था और इधर जय यहां था इन्होंने कहा जी जमहूरी पार्टी जमात इस्लामी कौनसल मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग आ, इस्लाम पार्टी उनके दरमियान रिश्ते बांट और पीपल्स पार्टी अब ये बंदरबान के रिश्ते किस तरह जैसे रेवड़ियाँ बढ़ती पीपल्स पार्टी को सामने लाना था ुल्क्फारली भुट्टो को बनाना था जिस तरह आज बिलावल को वजीम बनाने के लिए सारी वारदात करें और मरीम नवाज को पंजाब का वजीआला लेकिन वो वजी अजम से काम मान नहीं है और शहबाज शरीफ छोड़ना नहीं चाहता बिलावल से उसकी नाराज़गी शेबाजी की मरीम से नाराज़गी और जहाँगीर तरीन जैसे लीडर आसिफ अली जरदारी से नाराज़ हुए बिलावल ने देखे भी गिला भी किया बड़ा शरीफ से कि और शबाशी और नवाशी आपसे मिलने को इस वक्त तैयार नहीं क्योंकि शहबाजशरी की सियासत ख़त्म होने जा रही है वजारत का लेबल तो अलग है लेकिन ये बुरे हालात की जिम्मेदारी लेकिन लेकर वो छोड़ने को तैयार नहीं है वो रो रो के बता रहे मैं पॉलिश के लिए बेहतर हूँ लेकिन कंपनी बिलावल को जवान खून नाना की तरह समझ के समझ रही है कि ये लाएंगे लेकिन मसाइल उनके आपस में शुरू हो गए बंदर बांट पर इन मुलाकातों पर नाकामी की वजह से अब अमरीकी सफ़ीर तक को बुलाना पड़ा लेकिन ये भूल के तरीके सा पूरी मौजूद है पार्टी जिस मुल्क का वजे खारजा पानी के टैंकर से टैंक लेता है पंद्रह साल से सिंध की हुकूमत का और मेयर भी कराची का चाहता है और अगला वजे अजम भी चाहता है अगर कराची का ये हाल है तो पूरे मुल्क का क्या हाल होगा यह आप ख़ुद सोच लें तो आवाम क्या सोच रही है नफसियात के माहिर ने कहा कुछ दिन मुखालफी का पल्ला भारी नजर आएगा तरीके इन साफ़ में खामोशी होगी लेकिन अंदर ही अंदर लावा पकता जाएगा और मुस्तबिल करीब में जो ही किसी लीडर की कॉल ना भी आए अवाम निकल आई जिस तरह नौ अप्रैल को इमरान खान के लिए निकली तो ये सारा मामला बदल जाएगा क्योंकि तरीक़ एम के एम तो है नहीं अवा जमात है हमदर्दी का वोट है इमरान ख़ान के साथ आपको पता है इसीलिए अमरीकी सफ़ी ने आके मजबूर होकर इन्हें इंसानी हकूक़ के मामलों पर भी बात की देखेंगे किरदार देखें कि जो तहरीक साफ़ हकी बनाने वाला राहुल यासर दस मुकदमा उस पर एक नई जमात कौंसलर लेवल का बंदा उसे ला रहे इमरान खान की फल बाकी अस्सी फीसद कबीना में वैसे ही चोर डाकू लुटेरे सहूलत कारों का ज़मीर जागते हैं देखें इनके ज़मीर जागते हैं जैसे शायद अजीज साहब जो है उनका एक जागह था मुशरफ के दौर के उन्होंने किताब भी लिखी थी ये खामोशी कहाँ तक मुशरफ दौर में मारशा लगाने में सबसे अहम किरदार इस्लाम एयरपोर्ट पर कब्जा करके इन्होंने मुशरफ को नीचे उतारा था आपको याद होगा फिर किताब लिखी ये खामोशी कहाँ तक अपनी गलतियों की कौम से माफ़ी भी मांगते रहे लेकिन असल में उनको पता चल गया ये लोग किसके लिए काम करें इंटरव्यू में तमाम राजों से पर्दा भी उठाया बाद में शायद अजीज़ा अचानक जहाद करने चले गए फिर उनकी आज तक लाश ही नहीं मिली उनके जुर्म सिर्फ ये था कि कार्रवाईों की खबर उन्हें जो होना जरूरी थी वो क्योंकि सी जी एस था मुशरफ की हर बात छुपा रहा था अमरीका के साथ लेकिन वो सिर्फ डॉलर इकट्ठे करने के चक्कर में वो शमसीयरबेस जो किसी अरब अमारा के शहजादे ने शिकार के लिए बनाई थी वो सेंटा काम को दे दी थी उसको बाद में जो हुआ पाकिस्तान वो आप जानते हैं लेकिन गैरत रिटायरमेंट के बाद आए तो उसका फ़ायदा कोई नहीं अब आखिर में ताज़ा तरीन सूरत हाल तरीकान साफ़ की जो पार्टी छोड़ गई हैं जो रह गई हैं बाकी कौन है और मज़े की बात है जो पार्टी छोड़ कर गए हैं उनमें ज़्यादातर लोग या इरादा भी जो रख रहे हैं उनमें अठानवे फ़ीसद एलेक्टिव अठानवे फ़ीसद फौज चौधरी अमर कियानी श्री मजारी फैजल हसन चौहान चौधरी वजात फरदोस आशिकवान अवान मलक अमीर असलम उस्मान तरकी जलील शर्कपूरी मुसरत शमशेद चीमा और मलाका बुहारी और अब इब्रारहक भी आ गए उसमें दायरे ये सिर्फ मशहूर मशहूर बंदों के नाम बता रहा हूँ जो हर बंदा जानता है जो डटे हुए हैं शाह महमूद उमर सरफराज चीमा अली मोहम्मद ख़ान शरियार अफरीदी यासमिन आशद जास चौधरी महमूद रशीद अली जैदी असद कैसर अब जिन पर ख़तरा है कि छोड़ जाएँगे परवेज़ अई सर ख़ान हमायूं अख्तर उमर अयूब उस्मान बुज़दार, एजाजल हक़ हसर वख्तिया अच्छा ये जिन लोगों पर इस वक्त प्रेशर बड़ा बेल्ट है ज़ाहिर उसमें सरफहरिस्त ख़ ख़ान इमरान खान असद उमर हमाद अज़हर अमीन गंडापुर आजम स्वाति मुराद सईद जरताज गुल कासम सूरी है उसमें शहबाज़ गिल है सदाकत अबासी है मोनसलाई है शिबली फराज़ है फरदोज शमीम है जुल्फी बुखारी है आदिल शेख है और मतलब कमल शोज़, शोज़ब है उसमें बड़े काफ़ी सारे नाम हैं उसमें महमूद ख़ान हैं शफकत महमूद हैं और अब देखें शाह महमूद से चार मुलाकातों में अब तक नाकामी है लेकिन पिछले भी लॉग में मैंने आपको बताया था उस पर भी कुछ ना कुछ कहीं वारदात हो रही है कुछ दिनों बाद जो लगता है हलफनामा से जो पढ़वाएंगे वो ऐसा होगा कि मैं ममान कहता हूँ कि अले शरीफ़ किसी किस्म के जराय में मुलविस नहीं फील्ड के अपार्टमेंट उनके अपने हैं कतर से उनको पैसा मिला मैं मानता हूँ जितनी भी उनके ख़िलाफ़ बातें उनके प्लेटलेट्स के बारे में दिल की मरीज के बारे में मरीम नवाज एक सच्ची खातून है उन्होंने आज तक किसी की वीडियो नहीं बनाई और पाकिस्तान में इस्टेबलिशमेंट के साथ नहीं है अगली वीडियो तकलीफ मुझे इजाज़त दें अल्लाह हाफ